बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनी देओल की बात की जाए तो उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम से लोगों के दिलों में बड़ी छाप बना ली है। जी हाँ, सनी देओल ने अब तक कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अब सनी देओल का चार्म धीरे धीरे फिल्मों की दुनिया से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि सनी देओल आखिरकार किन गलतियों की वजह से पीछे रह गए। अगर सनी देओल आज भी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं तो वहीं आखिर कौन सी वजह थी जिसकी वजह से सनी देओल अपने करियर से पीछे होते हुए नजर आए। वेल, आपको बता दें कि इसकी सबसे बड़ी वजह है सनी देओल का प्रमोशन करना। जी हाँ, सनी देओल अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए उतनी जी जान नहीं लगाते हैं जितने की तमाम सेलिब्रिटीज करते हैं। उन्हें ये अच्छे से पता है कि मैं ऑलरेडी ही सुपरस्टार हूँ, मेरी फिल्म खुद से ही हिट हो जाएगी। ज्यादातर सनी देओल को प्रमोशन के लिए देखा ही नहीं गया है। जितनी मेहनत उन्होंने अपने बेटे करण देओल की फिल्म के लिए की तो वहीं उन्होंने अपने लिए कभी नहीं की। वहीं अब बात करते हैं दूसरी बड़ी वजह की। दूसरी बड़ी वजह है कि सनी देओल हर बार फिल्मों में एक्शन सीन देते हुए नजर आए, और ऐसे में इन सीन को सभी ने काफी पसंद किया। लेकिन बाद में सनी देओल धीरे धीरे रोमांटिक सीन भी करते हुए नजर आए, और यहाँ पर उनके रोमांस को ज्यादा पसंद नहीं किया गया। दरअसल सनी देओल एक एक्शन सुपरस्टार है, और इसकी वजह से सनी देओल पीछे रह गए। वेल, ये तो दूसरी वजह हुई, तो वहीं तीसरी बड़ी वजह है कि सनी देओल सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। जी हाँ, सनी देओल की बात की जाए तो सनी देओल के फॉलोअर्स यहाँ पर सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन अपनी फिल्म को लेकर ज्यादा प्रमोशन नहीं करते हैं। तो वहीं उनकी इंडस्ट्री में देखा जाए तो उनके सोशल मीडिया पर वो ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहते हैं। ऐसे में ये भी बड़ी वजह है कि सनी देओल अपनी फैंस को लेकर ज़्यादातर फोटोज वगैरह भी शेयर नहीं करते हैं। वेल, सबसे बड़ी वजह तो यही हुई, लेकिन अगर बात की जाए सनी देओल की एक्टिंग की, तो अगर वो अपने बेटे को लेकर इतने पजेसिव हो सकते हैं, अपने बेटे को लेकर इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो सनी देओल बाकी तमाम चीज़ों के लिए अपने लिए भी करते, तो आज शायद सनी देओल फिर से एक सुपरस्टार के रूप में जाने जाते। वेल, जो भी हो, सनी देओल की फिल्में आज भी लोगों के लिए वो फिल्में हैं जिन्हें देखने के बाद लोग काफ़ी एंटरटेन हो जाते हैं। वेल, आप क्या कहते हैं सनी देओल के बारे में, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशी की रिपोर्ट।